हीटिंग नहीं हो रहा है ना, फैन लगा लो नहीं तो। चलो कल क्या पढ़ाया था, आइसोटॉप्स और आइसो बार। क्वेश्चन कराया था ना आइसो बार, हो गया था ना वो रिलेशन निकाल लिए थे यूरेनियम वाला। चलो तो आइसोटॉप्स और आइसोबार हो गया, अब क्या है क्या होता है आइसोटोन से, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। राइट डाउन हेडिंग आइसोटोन, राइट डाउन हेडिंग आइसोटोन। डिफिनेशन लिखना आइसोटोन का, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, राइट डाउन हेडिंग आइसोटोन। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम ऑफ डिफरेंट, क्या नहीं सिखाया था कल, सिखाया था ना आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स का डिफिनेशन लिख लेना, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल लिखेंगे सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मास 23 है, मैग्नीशियम है 12 है और मास 24 है। तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 23 माइनस 11 12, और यहां पर 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा 12। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। तो हम सोडियम और मैग्नीशियम को क्या बोलेंगे, आइसोटोन। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लिखते हैं सिलिकॉन फास्फोरस और नाइट्रोजन और कार्बन, यहां पर 7 पहले इसको लिख लो, C6 और यहां क्या लिखेंगे 13, और यहां पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 और यहां 14। तो यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 13 माइनस 6 8, और यहां पर 14 माइनस क्या हो गया, अब यहां देखेंगे सिलिकॉन फास्फोरस और सल्फर, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 15 और 16, एटॉमिक मास सिलिकॉन का कितना होता है 28, तो यहां क्या लिखेंगे 31 और यहां 32 16, यहां 30 लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 16 और 16। तो ये तीन एग्जांपल है आइसोटोन्स का। तो मुझे ये बताओ इसमें अगर हम इसमें बात करें दोनों में तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम या डिफरेंट, मास भी क्या है different. तो दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज विल डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है और मास भी डिफरेंट है, मतलब बोथ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो राइट डाउन कर लेना, इन आइसोटोन्स दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव डिफरेंट
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड डिफरेंट मास different electronic configuration and different mass, that's why their chemical properties and physical properties will be different, that's why their chemical properties and physical properties will be different. ठीक है, अब ध्यान देना है यहां पे। नेक्स्ट लिखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो सबसे इसमें आइसो ईस्टर आइसोटॉप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसके बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी के टाइम में भी इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे आसान भी है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक यानी ऐसा स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। और इस बार केमिकल बॉन्डिंग में एक दो क्वेश्चन आया भी था आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, तो इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। अब उसके लिए हम कैटेगरी नहीं बनाएंगे, जैसे पहले जो पढ़ा था उसमें कैटेगरी केटाइन के लिए अलग, एनाइन के लिए अलग, मॉलिक्यूल्स के लिए अलग, ठीक है। हमें जो ऑप्शन में देगा उसके केटाइन हो या एनाइन हो उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिख लो डेफिनेशन, In a species which has same number of electron, same number of electron। तो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतना ही लिमिटेड एग्जाम्पल है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मान लो आर्गन हुआ, सोडियम प्लस हुआ, Mg+2 हुआ, एल्यूमिनियम+3 हुआ। हम इसमें एनायन भी लिख सकते हैं, जैसे फ्लोरीन माइनस, O-2, N-3, नियोन। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का 11 होता है, एक लूज कर दिया कितना हो जाएगा, एमजी का 12 होता है, दो लूज कर दिया, 13 का एल्युमिनियम का 13 होता है, तीन लूज कर दिया, 9 होता है एक गेन कर लिया, 8 होता है दो गेन कर लिया, और 7 होता है तीन गेन कर लिया। तो दिस वन इज ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें काउंट कर देना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन है लूज है या न्यूट्रल है, केटायन है एनायन है, हम यहां पर सेपरेट नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कभी पूछता नहीं केटायनिक एनायनिक, सब कोई डाउट नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो मेन पार्ट है उस पर ज्यादा हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट लिखो आइसो डाइपर्स, इसलिए इस पार्ट को थोड़ा जल्दी से निकाल दे रहा हूं मैं। आइसो डाइपर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर The atom of different element having same isotopic number. नीचे लिखना isotopic number equal to क्या होता है, A-2Z। आइसोडाइपर्स के एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल बोलो, ऐसे एग्जाम्पल रटने को जो उतने ऑप्शन में मिलता है, ठीक है। तो फ्लोरीन अगर हम ले 19 और 9 और सोडियम 11 और 23, तो ए
तो आइसोटोपिक नंबर कितना होगा, आइसोटोपिक नंबर तो ये ए मास हो गया, एटॉमिक नंबर को डबल करके माइनस कर देंगे, इसके मास में से एटॉमिक नंबर को डबल करके माइनस कर दो, तो 2 × 9 ये आ गया 1। यहां एटॉमिक मास पकड़ना है 23 और एटॉमिक नंबर को डबल करके माइनस कर दो, यही है आइसोटॉपिक नंबर। तो याद रखना, रटने की जरूरत नहीं है, इस वैल्यू में से इसको डबल करके माइनस कर दो, इस वैल्यू में से इसको डबल करके माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगा वही आइसोटोपिक नंबर होगा, और दोनों का आइसोटोपिक नंबर सेम है इसलिए इसको आइसोडाइपर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट लिखना आइसोइस्टर, 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 इसमें लिखना दी डिफरेंट मॉलिक्यूल हैविंग, दी डिफरेंट मॉलिक्यूल हैविंग, दी डिफरेंट मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन, दी मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसोइस्टर, आर कॉल्ड आइसोइस्टर, आर कॉल्ड आइसोइस्टर। पहला एग्जाम्पल लिखेंगे CO2 and N2O, CO और तो CO2 में कार्बन कितने, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन और दो ऑक्सीजन है, टोटल कितने हो गए, और यहां नाइट्रोजन है, कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन है तो यहां पर कितने होंगे 22। क्लियर है ना, अगर हम लेंगे CO और N2, अच्छा ये भी काउंट कर लो, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3, यहां नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2 नाइट्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, 3, एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन का, 3 एटम है, तो 3 एटम इसका, 3 एटम इसका, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम। समझ में आ गया क्या, तो हम इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते, बोल सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर हर आइसो इस्टर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, लेकिन हर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो, समझ में आ गया ना, इसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर हम बात करेंगे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन 14, और इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम और एटम विल बी सेम, तो हम इसको क्या बोलेंगे आइसो इस्टर, और इसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं। बोराजोल और बेंजीन, बोराजोल का फॉर्मूला आया था ना B3N3 और S6 और C6 और दिस वन इज ऑर्गेनिक बेंजीन और दिस वन इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो इसके अंदर एटम कितने हो गए 3 और 3, 6 और 6, 12, इसके अंदर कितने हो गए 6 और 6, 12, तो एटम विल बी सेम। हम काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5 और 3 है बोरॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन किसके बोरॉन के, नाइट्रोजन 3 है तो एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन 21, यानी कि बॉन्ड बना के मत काउंट करना, वो भी काउंट करोगे तो ऐसा ही आएगा, और 6 हाइड्रोजन है
तो एक हाइड्रोजन का वन, सिक्स हाइड्रोजन का कितना आ गया ये, कितना 40। और कार्बन का सिक्स होता है और सिक्स कार्बन है तो सिक्स इंटू सिक्स प्लस सिक्स, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक बेंजीन और ऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है, एक दूसरे के आइसोस्टर है। समझ में आ गया। अब मान लो एक पॉइंट तुम यहाँ पढ़े, जब क्वेश्चन बनाना होगा ना तो जो क्वेश्चन जो सेटर होता है वो बोरा जोल के ऊपर सारा क्वेश्चन बना देगा। तो बताओ ऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन में दोनों में से पोलर कौन है, कौन है इसमें पोलर, पोल ग्रेट होता है ना, मालूम है कि नहीं मालूम है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को चार्ज में बनाओगे तो प्लस और माइनस बनेगा, बताया था ना। तो ये क्या होता है पोलर और ये क्या होता है नॉन पोलर। क्लियर हो गया। दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये पोलर है, चार्ज है, तो चार्ज की वजह से ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये लेस रिएक्टिव होता है। तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसका रिएक्टिविटी कम है। इसमें बोरोन का हाइब्रिडेशन कितना है और इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन, दोनों प्लेनर है, क्योंकि जब एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना होता है तो ऐसे बनाएगा, और एग्जामिनर बोल रहा हूं सेटर को। तो बी एन एन बी बी और एन, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा और सब पे क्या लग जाएगा हाइड्रोजन। तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम चाहते हैं नहीं लिखे, इस पे प्लस और इस पे और एक बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम चार्ज में लिखना चाहते हैं तो यहां माइनस, चाहे ऐसा कर दो, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, डोनर पे माइनस सॉरी डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे बना दिए तो ये पोल क्रिएट हो गया ना, तो दिस वन इज पोलर। जबकि कार्बन में बेंजीन में पोलर नहीं होता है, उसमें चार्ज क्रिएट नहीं होता है। तो दिस वन इज पोलर, दिस वन इज नॉन पोलर। इसके वजह से इसका रिएक्टिविटी क्या होता है ज्यादा, इसका रिएक्टिविटी क्या होता है कम। ये प्लेनर है तो ये भी प्लेनर है, ये sp2 है, सबका sp2 होता है कार्बन का, इसमें बोरोन का भी सबका क्या होगा sp2 होता है, तो बोथ आर प्लेनर। और ये इसलिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन आया हुआ बोराजोल और इनऑर्गेनिक बेंजीन पे, ठीक है। तो आइसो इस्टर हो गया ना, अब क्वेश्चन बनाते हैं, सब हो गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सर्च हुआ, उसके बाद रिलेटिव पोजीशन के बारे में जे थॉमसन ने बताया, जे थॉमसन ने बताने के बाद हमें रदरफोर्ड का अल्फा स्केटरिंग के बारे में क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब अल्फा स्केटरिंग के बाद मेन चीजें समझ में आ गया, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स, आइसोबार क्वेश्चन लिखना। टू आइसोटॉप्स ऑफ बोरोन हुज एटॉमिक वेट आर, कर लो एक बार, टू आइसोटॉप्स ऑफ बोरोन हुज एटॉमिक वेट आर 10.01
एंड 11.01, 10.01 एंड 11.01 एंड एवरेज एटॉमिक मास इज, एंड एवरेज एटॉमिक मास इज, एंड एवरेज एटॉमिक मास इज 10.81. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच नेचुरल बोरॉन. 10.01 के लिए 20 और 11.01 के लिए. वो बैच कंबाइंड हुआ ना, इसलिए बोल रहा हूँ. इसको बना लो. क्या क्या दिया है? एक बोरॉन इतना परसेंट, इतना मास है, दूसरे का मास इतना है और एवरेज मास इतना है. तो आपको बताना है और बैच अगर कंबाइंड हुए हो ना, तो उसमें से अगर लग रहा हो कि इसमें फास्ट पढ़ा रहे हो ना, तो उस क्लास में भी एक और दूसरा बैच भी है, उसमें भी जा सकते हो. इसमें थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे हम. तो निकाल लो इसका, दोनों का परसेंटेज निकालना है. तो एक का परसेंटेज एक्स मान लो और दूसरे का परसेंटेज 100 माइनस एक्स मान लेंगे. तो कल जो एवरेज एटॉमिक मास बताया था उसी पे बनाएंगे. इसका मास मान लेंगे एक्स और इसका मान लेंगे 100 माइनस एक्स. तो हम लिखेंगे एवरेज एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, एक्स इंटू, या मास पहले लिखते हैं, 10.01 इंटू एक्स प्लस 11.01 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100. ये दे रखा है 10.81. 10.81 इक्वल टू 10.01 एक्स प्लस, ये मल्टीप्लाई कर दो, 11.01 माइनस 11.01 एक्स डिवाइड बाय 100. यहां से सोल्व करो एक्स का वैल्यू. क्या लिए सब x का वैल्यू क्या आ रहा है, 20% और कैलकुलेशन कर लेते हैं. 1081 इक्वल टू 10.01 में से 11.01 माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस 1x, और इधर हो गया 11.01. इसको इधर लेके आओ तो 10.01 माइनस 11.01 इक्वल टू माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 19, और ये 20 इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस 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 कैंसिल, एक्स इक्वल टू 20. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन न्यूक्लियस. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन न्यूक्लियस सपोजिंग दैट द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज स्फेरिकल. Supposing that the shape of nucleus is spherical and its radius is 5 into 10 to the power minus 3, sorry 13 लिखना,
यूनिट नहीं लिखा है, सेंटीमीटर में लिख लो। निकाल लो। तो निकालते हैं कितना आंसर। आंसर इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 6 × 10^13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों। हाँ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ अब हमें क्या निकालना है, डेंसिटी। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आएगा इसमें। हमें बोला है फ्लोरीन एटम का जो न्यूक्लियस है उसका डेंसिटी निकालना है, तो हम पहले डेंसिटी लिखेंगे। डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। थोड़ा बस यही कैलकुलेशन आएगा। अब हमें इस न्यूक्लियस का मास निकालना है और क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। निकालने के बाद दोनों में हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेंसिटी आ जाएगा 6.024 × 10^13 ग्राम। ये आ रहा है। तो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो उसने बोला है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, स्फेरिकल है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 πr³। तो यहां से 4/3 पाई का वैल्यू कितना ले लेंगे, 3.14
फोर या सेवन, 3.14 पाई आर क्यूब। अब हमें आर का क्यूब लेना है, तो रेडियस कितना दिया हुआ था, 5 × 10⁻¹३। तो 5 × 10⁻¹३ सेंटीमीटर है, क्यूब ले लेंगे। अब यहां से कैलकुलेशन हम कर देंगे, ठीक है। जब तुम देखो कैलकुलेशन करो ना, तो इसको 3 मान लो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हमें कैलकुलेशन चेक करवाना है, हमें आंसर आ जाएगा। वो आसपास में ऑप्शन में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है कि हम आसानी से कैलकुलेशन कर पाते हैं। ऑप्शन में देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, 3.14 को 3 मान लेंगे। हमें बोर्ड में दिखाना थोड़ा ना है कि हमने क्या किया है। और जो ऑप्शन हमारा आएगा तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 1.8 ही आना चाहिए, 2 के आसपास भी आंसर आता है तो हम समझ जाते हैं कि वही आंसर उसके आसपास है। तो ये मतलब कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका है। तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ निकालना है हमें 4/3 × 3.14, और ये हो जाएगा 125 × 10⁻¹⁹। हाँ बताओ। −39 ये दिया है सिंगेज पे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम लोग कैलकुलेट किए होगे तो आया होगा। ऐसे भी करके देखते हैं, ये कैंसिल कर लो, ये कितना आएगा, 4 125 में 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 500 आ रहा है ना, तो उतना डिफरेंस चलता है। अगर इसको 3 भी मान लोगे तो कैंसिल कर दोगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, तो हमारा वॉल्यूम आ गया। अब बात रहा मास का, मास। अब यहां फ्लोरीन के बारे में बात कर रहा है, फ्लोरीन में 90, यहां पर फ्लोरीन के अंदर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और मास 19 होता है। तो 19 के अंदर 19 जो होगा वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर होगा, यानी 19 ग्राम है, 19 एमयू है, समझ में आया क्या। तो उसके अंदर 19 क्या है, एमयू है, मतलब एक एटम का मास है, 19 एमयू है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तुम जो वॉल्यूम निकाले हो वो कितने का वॉल्यूम निकाले हो, एक एटम का वॉल्यूम निकाले हो। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्ट होता है। अगर हम बोल दे कि फ्लोरीन का मास 19 ग्राम होता है, तो 19 ग्राम कितने का होता है, एक मोल का, तो तुम ऊपर एक मोल का लोगे और वॉल्यूम एक एटम का लोगे, बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। यहां पर हमें मास, हमें लेना है मास कितने एटम का, 1 एटम का लेना है। ऐसा नहीं हो कि मास 1 मोल का ले लो कि 19 ग्राम लिख दो और वॉल्यूम 1 एटम का लो। या तो ऐसा कर सकते हैं कि तुम 19 ग्राम लो लेकिन वॉल्यूम कितने का निकालो, 1 मोल का निकालो। ये वॉल्यूम 1 एटम का है, वॉल्यूम ऑफ 1 न्यूक्लियस। 1 न्यूक्लियस का हमने वॉल्यूम निकाला है, तो ऊपर हम मास 1 एटम का निकालेंगे और वॉल्यूम भी हम 1 एटम का ही निकालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम मास 19 ग्राम मान ले और वॉल्यूम इतना ही माने, ये वॉल्यूम केवल 1 न्यूक्लियस का है, ठीक है। तो अगर हमसे बोला जाए कि बताओ फ्लोरीन का मास कितना है, तो हम फ्लोरीन का मास 2 टर्म में बता सकते हैं, कैसे। तो फ्लोरीन का मास 19 ग्राम भी होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास 19 ग्राम, लेकिन 19 ग्राम जो है 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर फ्लोरीन होगा, उस सबका सम 19 ग्राम आएगा। अगर हमें एक का मास रिप्रेजेंट करना है, एक एटम का, एक फ्लोरीन का, तो हम उसको लिख देंगे 19 एएमयू। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एएमयू मतलब
एटॉमिक मास यूनिट एक एटम का, दोनों में क्या रिलेशन है वो मोल में पढ़ाएंगे हम, एमयू में इसमें क्या रिलेशन है, कैसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, या सोच भी सकते हो इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर चला जाता है। तो अभी बस इतना समझो कि जब मैं एएमयू लिख दिया मतलब एक एटम का मैं बात कर रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज अगर बोले तो। अगर मैं 19 ग्राम बोल दिया तो मैं एक मोल के बारे में बात कर रहा हूं, यानी 19 ग्राम मास ऑफ वन मोल फ्लोरीन। और 19 एएमयू अगर मैं बोलूं तो क्या मैं बोलूंगा, मास ऑफ वन फ्लोरीन। बस यही दोनों में डिफरेंस है, ये एक मोल का मास है यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर का मास है, और ये एक एटम का मास है एएमयू। तो कहीं भी ग्राम रिप्रेजेंट किया जाता तो यही। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमने वॉल्यूम एक एटम का निकाला है तो मास भी हम एक एटम का निकालेंगे, नहीं कि मास ले लेंगे एक मोल का और वॉल्यूम लेंगे एक एटम का, ऐसा नहीं होगा, ये गलत आ जाएगा। तो हमें मास निकालना है वन एटम का। अच्छा, वन एटम का मास एएमयू में है, ये कुछ जज नहीं हो रहा है, और ये सेंटीमीटर में है, ऑप्शन में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम इसको ग्राम में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो अब मुझे बताओ, ऐसे नॉर्मल तरीके से सोचो कि फ्लोरीन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मास छोड़ दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, दोनों का सम कितने हैं। दूसरे अगर लैंग्वेज में अगर हम बनाए दूसरे तरीके से, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि P प्लस N का वैल्यू कितना है, 19 है ना। अब 19 जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका मास निकाल देंगे हम, तो बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, सेम होता है ना, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, और कितना होता है, 1.67 जो इसमें लिया हुआ है। (1.6×10⁻²)। तो अगर मान लो ऐसे नहीं बनाना चाहते तो ऐसे बना लो कि एक एटम फ्लोरीन के अंदर 19 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, तो 19 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन का मास इतना है तो 19 का कितना है, सिंपल, एक का मास कितना है 1.6×10⁻², एक का मास है, क्या एक का मास, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। टोटल फ्लोरीन मतलब एक फ्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं, एक फ्लोरीन के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, 19, तो 19 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये वैल्यू किसमें है, ग्राम में है, क्योंकि इतना ग्राम होता है। तो कुल मिला के मास निकालना आसान है, कैसे, 19 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास तो हम लेंगे नहीं, तो 19 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों का मास बराबर होता है, एक का मास ले 19 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा वैल्यू ग्राम में गिर जाएगा। या ऐसे बनाना चाहते हो तो ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखना, क्या है दोनों में डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी पढ़ाएंगे मोल में, ये सब जितना भी मोल से रिलेटेड चीज आएगा ना सब मोल में क्लियर होगा, उस टॉपिक में केवल मोल ही मोल आएगा, तो ये टॉपिक जितना मोल है एएमयू है वहीं पर क्लियरिटी आएगी। तो अभी धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, चीजों को समझा रहा हूं। अब यहां पर वॉल्यूम, ये क्लियर हो गया सबको, क्यों हमने ऐसे किया, तो वॉल्यूम हो जाएगा 525×10⁻¹⁹ सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर ग्राम है नीचे सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कैलकुलेशन तुम्हें करना है, कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 6×10⁻¹³ ग्राम पर सेंटीमीटर। ऐसे भी कैलकुलेशन करके देखोगे, केवल ये वाला करके देखोगे, ये वाला मोल से भी आसान है, मोल से भी आसान हो जाएगा, ऐसे ही बनाओगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आएगा। एक क्लियर हो गया क्या हुआ, डेंसिटी निकालना है तो मास निकाल दिए और वॉल्यूम निकाल दिए, मास 19 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास इतना है, 19 से मल्टीप्लाई कर दिए, मास आ गया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए,
हम जो भी बात करेंगे एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने वॉल्यूम एक न्यूक्लियस का निकाला है, तो एक न्यूक्लियस का वॉल्यूम है। अब हेडिंग डालो, अब क्वेश्चन बाद में करवाएंगे, अब हेडिंग डालो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, 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 वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये एक्चुअली में हमें पढ़ना चाहिए था बोर, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमने बोला भी था कि बोर पढ़ने के पहले बहुत सारा फंडामेंटल क्लियर करेंगे, तो ये जो टॉपिक एक्चुअली फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर बोर में जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, जब वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग होगा और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब जंप मारेंगे तो लाइट इमिट होगा, तो उस लाइट के बारे में लेमडा वगैरह निकाला जाता है, तो इस सब फॉर्मूला उसको जानना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम पहले इसका पढ़ने के पीछे बोर है हमारा, मतलब बोर में जो चीज़ आएगा तो ये लगभग तुम्हारा क्या है, बेसिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बेसिक टर्म किसको बोला जाता है, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालेंगे कि अगर लाइट इमिट कर रहा है, रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो लेमडा निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, इसके ऊपर अब क्वेश्चन अवस्थी में आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से रेडिएशन का लेमडा निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है, वेव नंबर निकालेंगे, तो ये पांच छह टर्म यहाँ से हम रिलेट करके कैलकुलेशन के लिए आता है, और ये कैलकुलेशन बोर में काम आएगा, समझ में आया क्या। तो इसके बाद बोर स्टार्ट भी हो जाता है, तो अभी लिखना मत, लिखवाऊंगा कल, क्योंकि टाइम अभी कम है, मैं समझा दे रहा हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कल मैं बताऊंगा, मैं लिखवाऊंगा, ठीक है, तुम लोग लिख के मत लाना, पढ़ के आ सकते हो। ओके, थैंक्स टू।